Hi people, this is Ashmi Ahmed. Welcome back to my channel. दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं नई वीडियो के साथ. एंड आप लोगों को थंबनेल देख के पता ही लग ही चुका होगा. तो हाँ, आज है Amazon versus Flipkart और मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कहाँ से मुझे रिसीव हुआ है ओरिजिनल प्रोडक्ट और कहाँ से मिला है मुझे डुप्लीकेट प्रोडक्ट. बट before moving to the video, if you are new on the channel, please subscribe my channel, press the bell icon for the latest update. Now move to the video. So dosto, mera favorite milk and honey ka scrub jo ki बहुत ही टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ. विंटर में अवॉइड करती हूँ मैं ये सब यूज़ करना क्योंकि मॉइस्चराइज़र ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही हमें ज़रूरत होती है हाइलुरोनिक एसिड की, और मुझे तो खास ज़रूरत होती है क्योंकि मेरी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन टू ड्राई है. तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि स्क्रब कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट है. अगर आपका ये फेवरेट स्क्रब होगा और आप इसे यूज़ करते हो बहुत ज़्यादा, तो आप पहले ही पहचान चुके होंगे कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट है. बट जो न्यू आए होंगे, जो न्यूली से स्टार्ट करा है ख़रीदना, तो मैं आपको बता दूँ कि ये मुझे मिला है फ़्लिपकार्ट से. ये दो मिले थे मुझे, पैक ऑफ टू कुछ इस तरीके का था. और ये इस पर प्रिंट प्राइस जो है वो 269 प्रिंटेड प्राइस है, और 269 में ये दो मुझे मिला. और मुझे अमेज़ॉन से जो मिला है अमेज़ॉन पे कुछ इस तरीके का है, पैक ऑफ टू वहाँ पे भी था. बट प्रिंटेड प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो इस पर प्रिंटेड है 729 और इस पर ये इस तरीके का बैच भी लगा हुआ है बारकोड. और ये पैक है कुछ इस तरीके से, दिखाती हूँ मैं. ये इस तरीके से, ये इसका कवर है, ट्रांसपेरेंटी सील लगी हुई है. और अगर मैं डिस्क्रिप्शन जो इस पर लिखा है, कंटेंट एवरीथिंग इज सिमिलर, कुछ भी चेंजेस नहीं है. मिल्क एंड हनी शुगर स्क्रब, और इसकी क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये है 200 ग्राम और इस पर भी प्रिंट है 200 ग्राम, तो दोनों ही सेम है. प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये मुझे ज़्यादा सस्ता मिला है, ये मुझे बहुत ही चीप रेट में मिला है. आई गेस अराउंड 250 में मुझे दो मिला है. वहीं इसकी बात मैं करूँ तो ये मुझे हाई प्राइस पे मिला है. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी लिंक इस ओरिजिनल प्रोडक्ट का, और आप वहाँ से जाके अगर आप लेना चाहते हो तो चेकआउट कर लेना. तो अब मैं इसके टेस्टिंग की बात करूँगी कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट हम समझे तो समझे कैसे, क्योंकि देखने में तो बिल्कुल सेम लग रहा. पहली बात, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ट्यूब देखो आप दोनों की, दिस वन इज लाइट और ये ट्यूब का जो ये ऊपर का पार्ट है ये डार्क है. इस पर कोई बैच बारकोड नहीं लगा हुआ है, इस पर आप देख सकते हो ओरिफ्लेम मिल्क एंड हनी न्यू स्क्रब है. और अब हम करेंगे टेस्टिंग ताकि आपको पता लग जाए कि स्क्रब है कैसा. पहले मैं यूज़ कर रही हूँ फ्लिपकार्ट से मंगाया है जो, वो ये है फ्लिपकार्ट से. ये मुझे लग रहा इन्होंने ग्लू में डाला है. चलिए तो थोड़ा पानी डालते हैं. अगर आप स्क्रब यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा कि स्क्रब जब हम इस तरीके से रब करते हैं तो एक अलग सी फोम आती है मिल्क एंड हनी के स्क्रब में. और ये देखिए आप, थोड़ा भी फोम नहीं है इसमें, एंड इट्स टोटली रॉ, डुप्लीकेट प्रोडक्ट है. और अब मैं इसे साफ कर लेती हूँ. मुझे लग रहा गम में इन्होंने
सैंड डाल दिया है। चलिए तो ये थोड़ा साफ कर लिया मैंने, और अब मैं यूज़ करूँगी सील्ड वन जो मुझे अमेज़ॉन से रिसीव हुआ है। एक मिनट मैं इसका सील निकाल लूँ। ये इस तरीके से सील है, तो ये सील निकाल लिया मैंने, और अब ये मैं इसको रब करूंगी अपने हाथ पे। ये थोड़ा सा पानी लिया, और सच आप लोगों के सामने है। थोड़ा पानी और लेंगे तो देखिए किस तरीके से ये फोम हो रहा, फोमिंग जेल है। और ये बहुत ही सुपर और इन्हांस क्वालिटी है। अगर मैं बात करूँ, मैं इसे बर्बाद नहीं करना चाहती थोड़ा भी, और मैंने बहुत टाइम से स्क्रब करा नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस विंटर सीज़न। तो मैं इस तरीके से थोड़ा यूटिलाइज़ कर लेती हूँ इसको, और मैं एक फुल वीडियो बनाऊँगी इसके ऊपर कि स्क्रब को आखिर यूज़ कैसे करते हैं, और स्क्रब और ज़्यादा आपको बेटर रिज़ल्ट किस तरीके से देगा। तो उस पर मैं एक वीडियो बनाऊँगी और आपको डिटेल में बताऊंगी कि स्क्रब किस तरीके से आपको यूज़ करना चाहिए। चलिए तो ये कर लिया मैंने साफ़, और स्टिल मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैंने साफ़ करा है, उसके बाद भी इससे फोम कुछ इस तरीके से हटा नहीं है। जब तक मैं इसको अच्छे तरीके से क्लीन नहीं करूँगी तब तक ये जाएगा नहीं। तो ये होता है भाई ओरिजिनल प्रोडक्ट। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके चेकआउट कर लो। अगर आप यूज़ करते हो तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और ये मेरा फेवरेट स्क्रब है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कर लेना, और आई बटन पर भी क्लिक करके जा सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।